ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सिंपल, मॉडुलस ऑफ ए बी इजिकल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। अब एक्चुअली क्वेश्चन में बताना ये है कि माइनस वन जीरो वन टू ऑप्शन क्या है, कि कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं वो। माइनस वन जीरो वन टू पे कंटिन्यूटी का ऑप्शन दे रखे हैं कि माइनस वन पे कॉन्टिन्यूस है, वन पे कॉन्टिन्यूस है, टू पे कॉन्टिन्यूस है, जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूस है, ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। और अब देखो कि प्रोसीजर से जाना चाहो प्रोसीजर से जा सकते हो कि जीरो पर किसी भी पॉइंट पे जब चेक कर रहे हो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जीरो पर उसका लिमिटिंग वैल्यू, उस पॉइंट पर उसका लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू को कंपेयर करो। बट अगर मैं देखूं कि जैसे जैसे जीरो है एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो जीरो पर ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है और ये डिसकॉन्टिन्यूस है। जीरो पर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है और दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, और जो डिसकॉन्टिन्यूस है उसका एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रहा है ना। और जो कॉन्टिन्यूस वाला फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो नहीं हो रहा है, x इज इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस वाले फंक्शन का वैल्यू जीरो नहीं है, इट मीन्स ये प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूस नहीं बना पाएगा। तो x इज इक्वल टू जीरो पर जो फंक्शन आएगा वो कैसा आएगा, डिसकॉन्टिन्यूस है। इसी लॉजिक से यही ऑप्शन सही है, इस लॉजिक से बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ओके, प्रोसीजर से जाना चाहो प्रोसीजर से जा सकते हैं, बट इसमें ये कॉन्सेप्ट लग गया है कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, और डिसकॉन्टिन्यूस वाले का एलएचएल आरएचएल फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उस पॉइंट पे उसका कोई लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी के अप्रोच कर रहा है या फिर फंक्शन अनडिफाइंड है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमने ये लॉजिक लगाया कि कॉन्टिन्यूस वाला अगर उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट को वो कॉन्टिन्यूस बना देगा, बट जीरो पर वो जीरो नहीं है। जीरो पर अगर ये जीरो होता तो प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूस बनाता, बट एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस वाला फंक्शन जीरो नहीं है, इट मींस कि वो डिसकॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ओके, यहां पे एक फंक्शन दे रखा है नॉट इक्वल टू जीरो पर एंड जीरो पर, है ना, और बताना क्या है, जीरो पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन में जीरो पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है। ओके, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर पहले कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ जीरो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो के बराबर होना चाहिए, तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो। अब बात करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू थ्री इंटू ई की पावर वन बाई एक्स प्लस फोर अपॉन टू माइनस ई की पावर वन बाई एक्स। ओके, जब एक्स जीरो का अप्रोच करेगा तो ये तो जीरो का अप्रोच ही कर रहा है ना, बट यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, दूसरा जो फंक्शन है उसमें वन बाई एक्स इन्वॉल्व है, और जब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो वन बाई एक्स तो इन्फिनिटी को भी अप्रोच करेगा और माइनस इन्फिनिटी को भी अप्रोच करेगा, डिपेंड करेगा कि जीरो की तरफ से किधर से आ रहे हैं। तो जीरो प्लस पे ये इन्फिनिटी जाएगा, जीरो माइनस पे ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा। ओके, तो डिपेंड करेगा अलग अलग वैल्यू पे जा रहा, चूंकि ई की पावर इन्फिनिटी हुआ तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ई की पावर में माइनस इन्फिनिटी गया तो वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो सेपरेटली देखो जरा कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस पे क्या हो रहा है, जीरो प्लस पे ये क्वांटिटी तो जीरो प्लस की तरफ ही जा रही है, इनटू x जब जीरो प्लस की तरफ जाएगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ओके, तो ये वाला अगर मैं ये अलग सेपरेटली चेक करूं कि जीरो प्लस पर ये वाला फंक्शन किस वैल्यू का अप्रोच कर रहा है, तो थ्री e की पावर वन बाई एक्स प्लस फोर अपॉन टू माइनस e की पावर वन बाई एक्स, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ऐसा करो इसमें e की पावर 1 बाई एक्स जो है वो कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो 3 प्लस 4 अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1। तो जब e की पावर 1 बाई एक्स इन्फिनिटी में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आने के बाद 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस 3। ये 0 की तरफ जा रहा है, ये माइनस 3 की तरफ जा रहा है, तो अल्टीमेटली कहां जा रहे हैं 0। ओके, तो इसका जो राइट हैंड लिमिट है वो तो जीरो आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो एक बार, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो माइनस पर ये तो जीरो की तरफ ही जा रहा है ना। अब एक्स जब जीरो माइनस से जाएगा तो ई की पावर में कितना आ जाएगा, ई की पावर में माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो ये तो ऐसे जीरो चला जाएगा, तो ये पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा, ये पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा,
बचेगा क्या 4/2, ये 4/2 की तरफ, ये 0 की तरफ, अल्टीमेटली 0 की तरफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और फंक्शन पे वैल्यू भी 0, तो इसका मतलब फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस आ गया x = 0। ओके, अगर 0 पे कॉन्टिन्यूस आया तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो जैसे 0 पे करनी है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए x-0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो fx माइनस, तो फंक्शन अगर x इंटू थ्री की e की पावर 1/x प्लस 4/2 माइनस e की पावर 1/x माइनस f ऑफ 0 इज 0 अपॉन x माइनस 0, अल्टीमेटली x x कट जाएगा। ओके, तो फाइनल बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 इंटू e की पावर 1/x प्लस 4 अपॉन 2 माइनस e की पावर 1/x। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यही से देखो 0 प्लस पे क्या होगा, 0 प्लस पे ये इन्फिनिटी जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा -3, है ना, मतलब राइट हैंड लिमिट इसका। ओके, एंड इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, चलिए अगर x 0 माइनस से गया तो ये खुद ही 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 2, है ना, ये -3 2, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मींस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया 0 पर। तो फाइनल आंसर 0 पे कॉन्टिन्यूस है और बट नॉन डिफरेंशिएबल। Okay.